हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब भी हम एडोब स्कैन ऐप पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो स्कैन करते समय बहुत सारे नीचे ऑप्शंस आते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है किस फॉर्मेट में स्कैन करना चाहते हो, फॉर्म फॉर्मेट में स्कैन करना चाहते हो या फिर वाइट बोर्ड फॉर्मेट में स्कैन करना चाहते हो या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्कैन करना चाहते हो, और सबसे लास्ट में दिया रहता है बिजनेस कार्ड फॉर्मेट। तो हम किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो हम आपको सभी फॉर्मेट का यूज करके बताएंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हम जो है इसमें सिलेक्ट करेंगे वाइट बोर्ड फॉर्मेट। तो वाइट बोर्ड फॉर्मेट में इस डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज पिक हो चुका है। तो ये देखिए पूरी तरह वाइट हो चुका है, यानी वाइट बोर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे वो पूरा वाइट हो जाएगा। फॉर्म फॉर्मेट, तो फॉर्म फॉर्मेट में जब हम इसे स्कैन करेंगे तो ओनली जो हमारा केवल डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन होगा। तो ये देखिए केवल डॉक्यूमेंट ही इसमें आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फॉर्मेट दे रखा है उस पर देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट है इसका डॉक्यूमेंट। तो पहले हम तो सबसे पहले हमने बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो बिजनेस कार्ड पर देखते हैं। तो बिजनेस कार्ड पर हमने स्कैन किया इसे, तो ये देखिए बिजनेस कार्ड पर जो है जो टोटल इमेज जितना भी पिक किया है वो टोटल इमेज यहाँ शो हो रहा है, और इसका साइज भी हाइट मतलब डिक्रीज हो गई है। तो ये लास्ट में बचा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो नॉर्मली जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग फॉर्मेट में स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को।